हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो काफ़ी लोगों की मुझे डिमांड आ रही थी कि स्टीफन एंड अनस्टीफन कनेक्शन के ऊपर वीडियो अपलोड कीजिए। सो ये रेडीज उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहला वीडियो उनके लिए आज का है और वो है अनस्टीफन बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं कि अनस्टीफन बोल्टेड कनेक्शन, अनस्टीफन वेल्डेड कनेक्शन, स्टीफन बोल्टेड कनेक्शन एंड स्टीफन वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप नए हो, अगर आपने अब तक टेक्निकल सिविल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए और बाजू में एक बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी टेक्निकल अपडेट्स है वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि अनस्टीफन बोल्टेड कनेक्शन को किस तरह से डिजाइन किया जाए। उससे पहले अगर आपके पास IS 800-2007 ना हो तो उसे अपने पास रख लीजिए और साथ में स्टील टेबल भी ले लीजिए, बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ताकि क्योंकि उसके अंदर एग्जांपल के अंदर काफ़ी सेक्शंस की प्रॉपर्टीज हमें देखनी होती है, काफ़ी फॉर्मूला स्पेसिफिकेशंस वगैरह हमें देखने होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसके साथ में रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर हमने किस तरह से उसकी डिज़ाइन कर रखी है, ठीक है। तो चलिए सीधे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए गाइस, आज इस एग्जाम्पल के अंदर हम आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर ले पहले आपसे, और वो है डिफरेंस बिटवीन स्टीफन कनेक्शन एंड अनस्टीफन कनेक्शन, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो है ओनली ऑन अनस्टीफन क्लिप एंड सीट एंगल कनेक्शन, लेकिन साथ में मैं आपको एक डिफरेंस बताते चलूँ कि स्टीफन और अनस्टीफन कनेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये जो केस है हम आगे फर्दर वीडियोज़ के अंदर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको पहले से इस चीज़ को क्लियर करवा दूं। तो देखिए, मेन डिफरेंस आपके सामने है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसके अंदर एक अनस्टीफन कनेक्शन है और दूसरा स्टीफन कनेक्शन है। इस पिक्चर को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि जिसके अंदर स्टीफनर प्रोवाइडेड है उसे हम स्टीफन कनेक्शन कहेंगे, जिसके अंदर स्टीफनर प्रोवाइडेड नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ सीट एंगल है, उसे हम अनस्टीफन कहेंगे। अब इसका मेन कारण क्या है, हम स्टीफनर प्रोवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मॉडरेट लोडिंग आ रही है या फिर सीट एंगल इतना कैपेबल है कि जो लोड बीम से आ रहा है या कॉलम से आ रहा है, कॉलम ट्रांसफर हो रहा है, तो वो उतना लोड इजीली कैरी कर सकता है, इतना कैपेबल है, तो हमें फिर स्टीफनर प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोल्टिंग करके हम उसको प्रोवाइड कर देंगे और वो लोड के लिए कैपेबल है तो फिर वो उसको संभाल लेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि जहाँ पे लोड बहुत ही ज़्यादा हैवी आ रहा हो और जो सीट एंगल है इतना कैपेबल नहीं है या फिर नंबर ऑफ बोल्ट उसके अंदर बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक अलग से एक नया मेंबर एज अ सपोर्ट वहाँ पर ला कर रख देंगे स्टीफनर के सीट एंगल के नीचे, जो लोड को कैरी करेगा, उसे हम स्टीफनर कहेंगे एज अ सपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर हम बोल्टिंग कर दें और बोल्टिंग करने के बाद ये एक कंपोनेंट बन जाएगा इसका, ठीक है, जो एंगल को, जो लोड को कैरी करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था स्टीफनर मतलब अनस्टीफन और स्टीफन कनेक्शन के बीच का, ओके। तो चलिए आज हम इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल कुछ यूँ है कि ISLB अ बीम ISLB 350 अबाउट 49 kg पर मीटर स्पानिंग इज 5 मीटर इज कैरिंग अ टोटल फैक्टर्ड UDL ऑफ 200 किलो न्यूटन। एक ISLB 350 का बीम है जिसका स्पान 5 मीटर गिवन है और एक फैक्टर्ड UDL वो कैरी कर रहा है जो है 200 किलो न्यूटन का। The beam is connected with the flange of the column ISHB 200 about 40 kg per meter. एक beam connected है column के flange से, ये जो beam है ये column के flange से connected है और column ISHB 200 का है, ठीक है। Design suitable seat angle unstiffened connection using M16 bolt, मतलब diameter of bolt हमें दे रखा है, और 4.6 ग्रेड मतलब यहाँ पे हमें FU की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एंड स्टील ग्रेड ऑफ FE 410। तो इतनी डेटा हमें गिवन है और पूछ रखा है कि डिज़ाइन सुटेबल सीट एंगल अनस्टीफन कनेक्शन। तो चलिए इसके अंदर हम आगे सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास IS 800 ना हो तो उसे पहले अपने पास ले ले, ताकि आपको फर्दर जब एग्जांपल के अंदर हम कोई भी स्पेस स्पेसिफिकेशन हो या फिर फॉर्मूला हो तो आपको देखने में आसानी हो, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस ऐसी हैं जो आईएस कोड के अंदर आपको मिलेंगे। आईएस कोड की आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आईएस कोड और स्टील टेबल, ठीक है, अभी बहुत ही ज़रूरी है इस एग्जाम्पल के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे सेक्शन दे रखे हैं ISLB और ISHB, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मुझे नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ तो वैसे इसके अंदर कई दे रखी होती है, ZP है, IY है, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, लेकिन इनमें से जो मेरे काम की प्रॉपर्टी है वही मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है, ठीक है, वही मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमें काम लगेगी वो है TW, मतलब थिकनेस ऑफ वेव, ठीक है, या ISLB के लिए जो बीम है हमारा उसके लिए थिकनेस ऑफ वेब है 7.4 mm, थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है वो है 11.4 mm, और थिकनेस ऑफ सॉरी विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो है 165 mm, और ये आर जो है ये हमें गिवन है, R1 16 mm, ये रूट रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ रूट है, ये रेडियस ऑफ रूट कहेंगे। ओके, तो ये ISLB के लिए था, ISHB के लिए भी सेम हम इतनी ही चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे। M16 दे रखा है हमें, ग्रेड 4.6 बोल्ट दे रखा है। तो सबसे पहला स्टेप कि जो भी बोल्ट हमें इसके अंदर दे रखा है उसकी पहले हम शीयर कैपेसिटी और बेयरिंग कैपेसिटी चेक कर लेंगे, उस पर से हम दोनों में से जो लिस्ट होगा उसको हम बोल्ट वैल्यू ले लेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले कि हम क्या करना होगा, अल्टीमेटली नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड करना होगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले स्ट्रेंथ बोल्ट की पता करनी पड़ेगी, और स्ट्रेंथ मुझे कहाँ से मिलेगी, तो शीयर और बेयरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के बाद। तो शीयर कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको IS 800 2007 के अंदर पेज नंबर 75 के ऊपर दे रखा है, और वो है VDSB इज इक्वल टू FE/√3 इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB डिवाइड बाय गामा MB। अब देखिए FU मुझे जो ग्रेड ऑफ बोल्ट दे रखा है उसके अंदर 4.6 है, इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने बोल्टेड कनेक्शन के अंदर दे रखा है उस वीडियो का, मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ मैंने, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी हम फिलहाल यहाँ पे सिर्फ FU की बात करते हैं। FU मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, वो हमें कैसे मिलती है, तो 4 × 100 हमें यहाँ पे करना पड़ता है, तो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है FU = 400 Nm/mm². अब अगर मैं बात करूँ NN की फॉर्मूले के हिसाब से अगर आगे बढ़े हम, तो NN मतलब क्या होता है, तो थ्रेडेड सेक्शन के अंदर जो थ्रेडेड, देखिए ये बोल्ट है, बोल्ट के अंदर दो सेक्शन होते हैं, तो शैंक एरिया और थ्रेडेड एरिया। थ्रेडेड एरिया मतलब आप देख रहे हो, ठीक है, और शैंक एरिया मतलब प्लेन एरिया होता है, ठीक है। तो देखिए NN मतलब कि कितने शियर प्लेन ऐसे हैं जो थ्रेडेड एरिया के अंदर है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल शियर और डबल शियर का कॉन्सेप्ट आता है। सिंगल शियर मतलब क्या और डबल शियर मतलब क्या, हम जो अभी चेक कर रहे हैं वो सिंगल शियर के लिए कर रहे हैं। तो देखिए ये दो पिक्चर्स आपके सामने हैं, ये जो है ये सिंगल शेयर के अंदर है, क्यों, क्योंकि ये बोल्ट, देखिए ये बोल्ट है मेरा, तो बोल्ट जब इसको इंटरसेप्ट कर रहा है तो इसके अंदर से एक ऐसा प्लेन है, इसे हम शेयर प्लेन करेंगे, क्यों कि इसको अगर मैं राइट हैंड साइड खींचूं, अगर ये राइट हैंड साइड मूव हो जाए, और अगर ये नीचे वाला जो प्लेन है लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा, तो यहाँ पे एक शेयर क्रिएट होगा, और ये प्लेन कितने होंगे, ये एक प्लेन होगा, एक ही प्लेन ऐसा होगा जिसके अंदर शेयर क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से शीयर क्रैकिंग इसके अंदर हो सकती है बोल्ट में। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो थ्रेडेड पोर्शन है ये एक ही शीयर प्लेन के अंदर है। सेम एज अगर मैं दूसरे की बात करूँ सेकंड केस के अंदर डबल शीयर के अंदर, तो यहाँ पे देखिए दो प्लेन आ रहे हैं, सिंपल, इसे हम डबल शीयर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी जो कंसिडर कर रहे हैं वो सिंगल शीयर है। तो चलिए, और दिक्कत वाली बात नहीं, अगर मुझे डबल शेयर की वैल्यू चाहिए तो मुझे सिंगल शेयर इंटू 2 कर दूँ तो डबल की मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसके अंदर। सिंगल इंटू 2 कर दूँ तो डबल शेयर के लिए मैं वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो VDSB के अंदर मुझे NN की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 रखनी है, कितनी रखनी है, 1। अब ANSB मतलब क्या, नेट एरिया, नेट एरिया थ्रेडेड सेक्शन के अंदर जो शेयर नेट शेयर एरिया होता है वो है ANB। अब ANB का फॉर्मूला एक होता है, दैट इज नथिंग बट 0.78 इंटू π/4d². अब इसके अंदर d क्या होता है, d इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है M16, मतलब 16 डायमीटर है। तो इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए और कैलकुलेट करोगे अगर आप, तो आपको ANB की वैल्यू मिलेगी 157 mm², सिंपल। अब चलिए NS इंटू ASB, इसका क्या करें,
तो भाई देखिए, एनएस मतलब क्या कि नेट शैंक एरिया इंटरसेप्टेड बाय द शेपलिन, शैंक एरिया, ठीक है। अब ये जो सिंगल शेयर वाला केस लिया अगर हम, तो इसके अंदर शैंक एरिया से ऐसा कोई शेयर प्लेन नहीं है जो इसको इंटरसेप्ट करे। एक शेयर प्लेन था जो कि थ्रेडेड एरिया को, थ्रेडेड एरिया को इंटरसेप्ट कर रहा था, लेकिन शैंक एरिया ये प्लेन एरिया होता है, शैंक एरिया को कोई नहीं कर रहा है इंटरसेप्ट, इसलिए यहाँ पे जो एनएस होगा वो जीरो होगा। अब एनएस जीरो तो एएसबी भी जीरो मैथमेटिकली, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को मैं जीरो यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। अपॉन गामा एम बी मतलब ये आईएस कोड के अंदर ही दे रखा है 1.25, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो किलो न्यूटन के अंदर मुझे 29 मिल रहा है, 29 किलो न्यूटन, ये शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आ गई इन सिंगल शेयर, ठीक है। लेकिन अब बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट भी मुझे फाइंड करना होगा। क्यों, ये क्यों फाइंड करना होगा? तो आईएस कोड ने कहा है कि आपको शेयर कैपेसिटी एंड बेयरिंग कैपेसिटी दोनों आप पहले फाइंड कीजिए बोल्ट के लिए, उसके बाद इनमें से जो लीस्ट वैल्यू आएगी, जो कम से कम वैल्यू आएगी दोनों में से, उसको आप बोल्ट वैल्यू या स्ट्रेंथ उसकी कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे बेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग चेक करनी पड़ेगी इसकी। तो देखिए, इसके लिए भी आपको पेज नंबर 75 के ऊपर ही फॉर्मूला दे रखा है, VDPB इज इक्वल टू 2.5 KB इंटू DT इंटू FU अपॉन गामा MB। अब देखिए, ये इसके अंदर जो अलग अलग टर्म्स है, KB, DT, FU, गामा MB, D हमें पता है डायमीटर ऑफ बोल्ट है, थिकनेस हमें पता है ISHB की थिकनेस हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, 9 थिकनेस ऑफ फ्लेंज 9 mm, और गामा MB पता है और FU पता है। यहाँ पे एक चीज़ जो है KB जो आपको IS कोड के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, इसकी तीन कंडीशंस होती है, उसमें से एक कंडीशन है KB इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम उसी कंडीशन को एज्यूम करते हैं कि KB इज इक्वल टू 1 ले लें, T इज इक्वल टू 9 mm, और उसको हम यहाँ पे रख के सीधे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, VDPB इज इक्वल टू 115.20 किलो न्यूटन, ठीक है। जो शेयर कैपेसिटी थी वो 29 थी और बेयरिंग कैपेसिटी है वो 115 है, तो जो छोटी है, छोटी वाली वैल्यू कौन सी इसमें से, 29 किलो न्यूटन, तो हम बोल्ट वैल्यू लेके 29 किलो न्यूटन। चलिए, बोल्ट वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए लोड, ठीक है, स्ट्रेंथ आ गई, लोड चाहिए जिसके जिसका रेशियो हमें नंबर ऑफ बोल्ट देगा। अब लोड कहाँ से लाएंगे, तो सिंपल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 200 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड UDL है 5 मीटर के स्पान पे, तो उसका जो एंड रिएक्शन होगा, ईच रिएक्शन कितना होगा, तो फैक्टर्ड UDL है, थ्रू आउट द स्पान है UDL, ठीक है, तो उसको सिंपली हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो आंसर मिल जाएगा हमें, ईच रिएक्शन एक एंड पे कितना रिएक्शन आएगा वो आएगा 200 बाय 2, सिंपल, ओके, 100 किलो न्यूटन यहाँ पे आ चुका है। अब इसके ऊपर से मैं नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड करूंगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ बोल्ट कैसे फाइंड करूंगा, तो लोड या फिर रिएक्शन डिवाइड बाय स्ट्रेंथ या फिर बोल्ट वैल्यू इज इक्वल टू 3.44 आ रहा है, जिसे मैं कंसिडर करता हूँ 4 नंबर ऑफ बोल्ट। मतलब ये कि शेयर और कैपेसिटी के ऊपर से, डायमीटर के ऊपर से, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बोल्ट है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मुझे 4 चाहिए, कितने, 4 नंबर्स ऑफ बोल्ट चाहिए। तो 4 नंबर ऑफ बोल्ट मैं एक रो के अंदर तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसको 2 रो के अंदर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एक रो में 2 बोल्ट, ठीक है, ऐसी मेरी 2 रो या फिर 2 कॉलम हम कह सकते हैं बनेगी, मतलब 4 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ये 2 रो के अंदर 2 बोल्ट को मैंने प्रोवाइड कर दिया, 2 बोल्ट को, ओके। तो ये नंबर ऑफ बोल्ट मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। अब नंबर ऑफ बोल्ट मिल गए, लेकिन अब बोल्टिंग की जब बात करें, तो स्टिंग के अंदर प्लेट हो, एंगल हो, कोई कुछ भी हो, तो उसको जब हम बोल्टिंग करते हैं तो उसके अंदर मिनिमम पिच आता है, एंड या एज डिस्टेंस आता है, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। ये भी हमें आईएस कोड के अंदर प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखा है, बहुत ही सिंपल है, आईएस कोड में कह रखा है कि मिनिमम पिच जो है वो 2.5D होना चाहिए और एंड डिस्टेंस जो है 1.7D0। अभी आप कह रहे होगे कि पिच क्या होता है और एंड डिस्टेंस क्या होती है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक रफली मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है, वो है पिच और एंड डिस्टेंस के लिए। देखिए, 2 बोल्ट के बीच का जो गैप या कोई डिस्टेंस होता है उसे हम मिनिमम पिच कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, मिनिमम पिच, ओके। और जो एंड डिस्टेंस होता है बोल्ट से लेके लास्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहेंगे एज या एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए, मिनिमम पिच की वैल्यू होगी 2.5 इंटू डी, डी इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ बोल्ट, इसको मल्टीप्लाई करो तो 40 mm, ये मिनिमम पिच, मतलब ये बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 40 mm। अब एंड डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो एंड डिस्टेंस के अंदर 1.7D0 है, क्या है, 1.7D0, D0 इज वॉट,
डी जीरो इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ होल। अब आईएएस कोड का ये प्रोविजन है हमारे लिए कि अगर डायमीटर ऑफ होल हमें कंसिडर करना है तो जो डायमीटर ऑफ बोल्ट हमें गिवन है उसका 1.5 या फिर 2 उसके अंदर ऐड करना होता है। डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस 1.5 या फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 ऐड करते हैं तो डी प्लस 2 इज नथिंग बट 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमने डायमीटर ऑफ होल कितना रखा है 18, तो 1.7 इंटू 18 इज इक्वल टू 30.6 और वी कैन से दैट 35 mm एंड डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है 35 mm, 35 mm और ये 40 mm। तो चलिए इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली अब मैं जो लैग एंगल, जो एंगल होता है उसका लैग होता है, ये लैग जो होते हैं ये, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ रिक्वायर्ड कितनी है, तो मैं इसकी वजह से इजीली डिटरमाइन कर सकता हूँ। कैसे? तो पिच, ठीक है, पिच प्लस 2 इंटू एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये पिच मेरे पास है 40 प्लस 2 इंटू 35 एंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 110 mm। लेंथ ऑफ लेग ऑफ एंगल रिक्वायर्ड कितनी है 110 mm, इतनी रिक्वायर्ड है मुझे, बट अभी ये सिस्टम मुझे थोड़ी ज़्यादा ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो चलिए लेंथ ऑफ सीट एंगल, ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हम अभी सिर्फ क्राइटेरियाज देख रहे हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो 110 mm की मिनिमम लेंथ चाहिए एक लेग की। अब लेंथ ऑफ सीट एंगल, सीट एंगल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सीट एंगल की लेंथ जो है ऑब्वियसली जितनी विड्थ बीम की होगी, विड्थ फ्लैंज विड्थ ऑफ द बीम, जितनी फ्लैंज विड्थ बीम की होगी उतनी ही मुझे सीट एंगल की लेंथ प्रोवाइड करनी होगी। और क्वेश्चन के अंदर गिवन है 165, कितनी गिवन है उसकी विड्थ हमें 165, बीम की विड्थ कितनी गिवन है 165, ISLB 350 के अंदर दे रखा है, ठीक है। 165 इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ फ्लैंज, ओके, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सीट एंगल, ओके। तो देखिए लेंथ ऑफ सीट एंगल आ गई, रिक्वायर्ड एंगल लेंथ जो है वो आ गई, तो इसके ऊपर से हम IS A सिलेक्ट करेंगे स्टील टेबल से। IS A कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, 150x75x12 mm, ठीक है। इन डेटाज के ऊपर से हमने IS A सिलेक्ट किया है एक एंगल, वो है 150x75x12 mm एज अ सीट एंगल, एज अ सीट एंगल विथ 150 mm लेग वर्टिकल, 150 वाला जो लेग है हम उसे वर्टिकल रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो बस मैंने यहाँ पे एंगल सिलेक्ट कर लिया है। एंगल सिलेक्ट करने के बाद दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे फाइंड करनी होती है कि भाई कितनी लेंथ उसकी बियरिंग करेगी, कितनी लेंथ शीयर बियरिंग करेगी, कितनी लेंथ मोमेंट बियरिंग करेगी, और उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ बियरिंग रिक्वायर्ड एट रूट लाइन ऑफ बीम, अब रूट लाइन ऑफ बीम क्या होता है और लेंथ ऑफ बियरिंग रिक्वायर्ड क्या है। तो देखिए आप IS कोड के अंदर पेज नंबर 65 पर जाइए, उसमें उसके अंदर आपको एक क्लॉज है 8.7.1.3 स्टिफ बेयरिंग लेंथ, ठीक है। तो अगर आप स्टिफ बेयरिंग लेंथ को उसके अंदर जाके पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, बहुत ही सिंपली और आसानी से समझा रखा है। इसके अंदर मेन चीज़ एक ही है कि जो भी लोड डिस्पर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो 45 एंगल पे होता है। इस फिगर को आप देख रहे होगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है, कॉर्नर में। तो जो लोड है वो 45 एंगल पे डिस्पर्स या डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अब इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ बेयरिंग रूट ऑफ रूट लाइन ऑफ द बीम, रूट लाइन मतलब क्या होती है, देखिए तो रूट रेडियस, ये जो RB डिस्टेंस होता है और ये एंगल होता है, ठीक है, तो इसको इंटरसेप्टिंग जो एक लाइन, नई लाइन बनती है उसे हम रूट लाइन कहते हैं। तो रूट लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ बेयरिंग कितनी रिक्वायर्ड है ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू R by TW FYW upon gamma m 0। यहाँ पे हम सिर्फ वेब की ही बात कर रहे हैं, इसलिए TW मतलब थिकनेस ऑफ वेब, और ये भी वेब के लिए लेंगे हम, ठीक है। तो R क्या है इसके अंदर, R इज नथिंग बट रिएक्शन एंड दैट इज 100 kN, हमने अभी अर्लियर फाइंड किया इसको, ठीक है। तो सारी वैल्यूज मेरे पास है, जस्ट पुट आउट कीजिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद B इज इक्वल टू 59.45 mm मेरे पास आ रही है, ठीक है, B की वैल्यू। इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ बेयरिंग रिक्वायर्ड एट द रूट लाइन ऑफ द बीम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हमें क्लियरेंस प्रोवाइड करना होता है और टॉलरेंस भी प्रोवाइड करना होता है, तो IS कोड का प्रोविजन है कि आप क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो 5 mm प्रोवाइड कीजिए
और टॉलरेंस भी आपको 5 mm का रखना चाहिए, ठीक है। तो अब टोटल आउटस्टैंडिंग लेग की लेंथ कितनी होगी, तो मुझे इन दोनों को इसके अंदर इंक्लूड करना होगा, ठीक है, 5 mm क्लियरेंस भी और टॉलरेंस भी, ठीक है। तो 59.45 + 5 + 5, तो ये जो चीज़ आ रही है, ये जो लेंथ है, ये आउटस्टैंडिंग लेग, ये जो आउटस्टैंडिंग लेग हो रहा है ना, इसकी लेंथ है टोटल, ठीक है। अब ये जो हमने एंगल सिलेक्ट किया है 75, उससे कम होना चाहिए, ठीक है, ये सीट एंगल जो है इससे कम होना चाहिए एंगल से, ओके। तो ये कम है, ये कम है 69, अबाउट 70 आ रहा है, अबाउट 70 आ रहा है, मतलब जो सिलेक्ट किया वो इनफ है, कैपेबल है, ठीक है, ओके है, मतलब ठीक। तो चलिए, ये आउटस्टैंडिंग लेग हमें मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ बेयरिंग ऑन द सीट एंगल, सीट एंगल पे बेयरिंग लेंथ कितनी है टोटल। ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी जो उसकी लेग डिस्टेंस होता है वो पूरा ही लोड बेयरी करता है, अप टू सम एक्सटेंट कुछ लेंथ ऐसी होती है जो बेयर करती है। अब वो लेंथ कौन सी है, कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, नीचे एक पिक्चर है, इसके अंदर B1 दे रखा है, B1 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ बेयरिंग ऑन द सीट एंगल, ठीक है। तो B1 का फॉर्मूला क्या है, B1 इज नथिंग बट द रूट लाइन के ऊपर जो लेंथ ऑफ बेयरिंग है वो, ठीक है। तो B मतलब 59.45 माइनस ये स्लोपी एरिया जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया 45 एंगल वाला, TF प्लस RB, TF मतलब क्या, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और RB इज नथिंग बट रूट रेडियस ऑफ बीम फ्लेंज। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मतलब हमने जो हमें जो सेक्शन दे रखा था उसकी वैल्यू हमें हमें स्टील टेबल से मिलती है, एंड दैट इज R1 इज इक्वल टू 16 mm, ओके। तो B1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे 32.05 mm मिल रही है, ठीक है। B1 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ बेयरिंग ऑन द सीट एंगल। अब इन बेसिस के ऊपर जो मैंने 150/75/12 mm सेलेक्ट किया था सेक्शन, एंगल सेक्शन, तो उसके लिए अगर मैं स्टील टेबल के अंदर जाऊँ तो थिकनेस ऑफ एंगल वो 10 mm गिवन है, और रूट रेडियस ऑफ एंगल वो मुझे 10 mm गिवन है, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ों पे से लेंथ ऑफ सीट एंगल सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, अब ऐसी कितनी लेंथ है, ठीक है, कितनी लेंथ सीट एंगल की ऐसी है जो बेंडिंग मोमेंट के अंदर है, जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट आ रही है, अब वो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, इसका जो अगर कॉमन फॉर्मूला देखी जाए तो B1 प्लस C माइनस TA प्लस RA, ठीक, TA RA, देखिए ये फिगर के अंदर आप देखते होंगे, TA मतलब थिकनेस ऑफ एंगल, ठीक है, और RA मतलब RA मतलब जो है रूट रेडियस ऑफ एंगल, ठीक है। ये आपको स्टील टेबल के अंदर गिवन है, आप जाके देख सकते हो, और ये 5 + 5 तो आपको पता ही होगा क्लियरेंस और टॉलरेंस है, ठीक है। B1 की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की है, सारी वैल्यू इसको यहाँ पे पुट आउट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, B2 इज इक्वल टू 22.05 mm आ रहा है, सिंपल, ठीक है। कितनी लेंथ बियर कर रही है वो देख लिया, सीट एंगल पे कितनी लेंथ बियर कर रही है वो देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट के अंदर कितनी लेंथ है वो देख लिया, ठीक है, जो मेन मेन चीज़ें हमने अभी देख ली। क्योंकि देखिए बोल्ट हम डिज़ाइन करते हैं तो इसके अंदर शीयर और बेंडिंग मोमेंट, ये दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हमने सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, रिक्वायरमेंट जो थी वो हमने देख ली। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा कि जो B1 लेंथ है, B1 लेंथ पे जो UDL आ रहा है, B1 लेंथ पे जो UDL है, ये देखिए आप देख सकते हो, B1 लेंथ के ऊपर जो UDL है, उस UDL की वजह से सीट एंगल पे कितनी मोमेंट आ रही है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, सिंपल। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पॉइंट पकड़ना होगा, सपोज कीजिए इसमें पॉइंट B कहता हूँ, ये कॉर्नर एंगल जो है रूट ऑफ एंगल, इसे मैं पॉइंट B कहता हूँ और इसे पॉइंट A कहता हूँ, तो मुझे जरूरत सिर्फ B की है अभी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट रूट ऑफ एंगल एट B, ठीक है। तो कितना होगा, M इज नथिंग बट लोड डिवाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो लोड कितना है मेरे पास, लोड ऑन सीट एंगल इंटू B2 बाय 2, ठीक है, इस तरह मिलेगा मुझे यहाँ पे मोमेंट। अब लोड कितना आ रहा है, तो
आर इंटू बी टू बाय बी वन, ठीक है। ये बेरिंग बेरिंग लेंथ है स्टीफनर की, बेरिंग लेंथ है फ्लेंज की, ठीक है। तो सॉरी स्टीफनर की नहीं, सीट एंगल की, ठीक है। ये बेरिंग लेंथ सीट एंगल की है और ये स्टीफनर की, तो और ये अपने फ्लेंज की है, ठीक है। तो चलिए आर इंटू बी बाई टू, बी टू बाई बी वन, बी टू बाई बी वन इंटू बी टू बाई टू, ओके बी टू बाई टू। इन सारी टर्म्स की हमने अभी जो वैल्यू है अभी जस्ट फ्रीक्वेंटली फाइंड की है, जस्ट पुट आउट कीजिए कैलकुलेटर कर करें तो 758.50 न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर यहाँ पे आ रहा है। ये मोमेंट जो है रिक्वायर्ड है, ये मोमेंट मुझे इतनी चाहिए, इतनी आने वाली है, ठीक है, इतनी मोमेंट इस पर आने वाली है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, जो हमने सिलेक्ट किया है उसकी कैपेसिटी कितनी है, अब ये हमें देखनी है। हमने आईएस जो सिलेक्ट किया है आईएस है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो मोमेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू एमडी का फॉर्मूला आईएस कोड के अंदर प्रोवाइडेड है 1.2 जेडी एफवाई अपॉन गामा एम जीरो, ठीक है। 1.2 जेडी अपॉन जेडी इंटू एफवाई अपॉन गामा एम जीरो। जेडी क्या है इसके अंदर, जेडी इज नथिंग बट द इलास्टिक सेक्शन सेक्शन मॉड्यूलस, जैसे जेड पी होता है वैसे जेड ई है, वो प्लास्टिक होता है ये इलास्टिक के लिए होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, जेड ई फॉर आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ एंगल, एंगल का जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसके लिए जेड ई कितना होगा, तो उसके लिए तो भाई विथ 165 इंटू उसकी थिकनेस, ठीक है, 12 mm, तो 12 का स्क्वायर विथ इंटू थिकनेस का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, ये फॉर्मूला है जनरल उसके लिए जेड ई के लिए, ठीक है। जब हम लेग एंगल फाइंड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग का, ठीक है, तो जेड ई लेग लेग एंगल के लिए जेड ई विथ इंटू थिकनेस स्क्वायर डिवाइड बाय 6, इस यहाँ से मुझे जेड ई की वैल्यू मिलेगी 3960 mm क्यूब। इस वैल्यू को मैं सिंपली इसके अंदर फॉर्मूले में पुट आउट करूँगा और इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1080 न्यूटन इंटू मीटर आ रही है, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 758 एंड देयरफॉर द कनेक्शन इज सेफ, ठीक है। ये मोमेंट के अंदर कनेक्शन तो भाई सेफ है, इसका मतलब ये है, ओके। अब आगे मोमेंट हमने देख लिया, अब शीयर देखे क्या, शीयर की बात अगर करूँ तो शीयर के अंदर आपको बहुत ही सिंपल है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वी डी इज इक्वल टू ए वी इंटू मतलब ए इंटू एफ वाई अपॉन अंडर रूट 3 γm0। इसके अंदर नया कुछ नहीं, देखिए ये जो है इस सीट एंगल के लिए, ये जो है सीट एंगल के लिए, सीट एंगल का एरिया कितना होगा, तो विथ इंटू थिकनेस, विथ इंटू थिकनेस, विथ ऑफ फ्लेंज ऑफ द बीम, ठीक है, इंटू थिकनेस ऑफ एंगल। तो विथ ऑफ फ्लेंज ऑफ द बीम 165 दे रखी है, थिकनेस ऑफ एंगल हमें 12 mm दे रखा है, एफ आर 250 है, अंडर रूट 3 γm0 1.10। इजीली इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 259 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 100 kN। मेरे पास रिएक्शन कितना आ रहा है, 100 है और मतलब 100 रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन हम इसकी कैपेसिटी कितनी हो रही है, 259 या फिर 260 हम कह सकते हैं, तो ये रिक्वायर्ड से बहुत ही ज़्यादा है, तो ये सेफ है शीयर के अंदर भाई, सेफ है भाई। अब अगर शीयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम की बात करूँ, ये सीट एंगल की बात थी हमने भी, आउटस्टैंडिंग जो लेग था उसकी सीट एंगल की शीयर हम देख रहे थे, अब बीम की बात करूँ मैं तो बीम के अंदर देखिए वी डी इज इक्वल टू ए वी इंटू एफ वाई डब्ल्यू अपन अंडर रूट 3 इंटू गामा एम जीरो, वही फॉर्मूला यूज करके पेज नंबर 59 के अंदर दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो ए वी होगा वो क्या होगा, डेप्थ ऑफ बीम आई एस एल बी 350 हमने हमें जो गिवन है वो 350 के अंदर ये डेप्थ ऑफ बीम है, ठीक है, इंटू इंटू थिकनेस ऑफ वेब दैट इज 7.4, बीम के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं, तो 7.4 है इंटू 250 अंडर रूट 3 इंटू 1.10। तो ये सारी वैल्यूज को मैं कैलकुलेट करूँ तो यह 339 या 340 के अराउंड आ रहा है, ठीक है, अराउंड 340 आ रहा है। तो विच इज अगेन ग्रेटर देन 100 kN, देयरफॉर इट इज ऑल्सो सेफ, बीम की स्ट्रेंथ जो है शीयर स्ट्रेंथ यहाँ पे वो भी सेफ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बोल्ट हमने जो सेक्शन सिलेक्ट किया था आई एस है वो भाई मोमेंट के अंदर भी सेफ है और शीयर के अंदर भी सेफ है, ठीक है। तो इसके इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि हम 150/75/12 mm का जो एंगल सेक्शन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं विथ 4 bolts of 16 mm डाया, विथ 4 bolts of 16 mm डाया, ठीक है। हमने ये सीट एंगल प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर क्लिप या क्लीट एंगल की बात करूँ तो
उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक रिस्ट्रेंट करने का मेन फंक्शन है, मतलब उसको सिर्फ फिक्स करने के लिए फंक्शन है। तो उसके अंदर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इतने मायने नहीं रखते, इसलिए मैं यहाँ पे उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई 80/80/6 का एज्यूम हम कर लेते हैं और उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये फिगर के अंदर आप देखोगे कर तो आपको पता चलेगा कि ये क्लीट एंगल या क्लिप एंगल जो हमने प्रोवाइड किया है ये 80/80 का है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला है, ये सिर्फ एक रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए मैं 80/80/6 का यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो सीट एंगल है सारा का सारा बर्डन जो है वो सीट एंगल को सहन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसे प्रॉपरली डिज़ाइन करना होता है शीयर के अंदर, बेंडिंग मोमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शीयर, यहाँ पे हमने सीट एंगल को डिज़ाइन किया है और यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है 150/75/12 mm का सीट एंगल। ठीक है, ये सारी फिगर के अंदर डिटेलिंग आपको यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो आराम से। और यहाँ पे जो है इस अनस्टीफन बोल्टेड कनेक्शन की डिज़ाइन कंप्लीट होती है बिल्कुल आसानी से, सिंपली एकदम इजी और फास्ट मेथड में। ठीक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं है जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओ या जो आपको याद रखने पड़े। ठीक है, मोस्ट ऑफ डिज़ाइन जो है वो IS कोड से ही है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन यहाँ तक। अगर आपको कोई भी इसके ऊपर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हो, मैं आपको डाउट वो सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होती है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डाउट अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। और जो अपकमिंग वीडियोस है मैं आपको बता चुका हूँ पहले स्टार्टिंग में कि अनस्टीफन वेल्डेड कनेक्शन होगा, स्टीफन बोल्टेड, स्टीफन वेल्डेड कनेक्शन जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरे अब टेक्निकल अपडेट्स की वीडियोस है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं।